सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज की वीडियो तुम्हारे फेवरेट चाइल्डहुड शोज के कुछ डार्क थ्योरीज एंड करेक्टर के ऊपर होने वाली है। एंड गाइस बिलीव मी, मैंने डार्क बोला है तो इसका मतलब सही में डार्क है। और आखिर कैसे, तो ये तुम लोग वीडियो देख के जानोगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और तुम्हें अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो बस एक क्लिक के बराबर है, बट मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से यूट्यूब मेरी ये वीडियो और लोगों तक रिकमेंड करता है। सो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो इस लिस्ट के फर्स्ट कैरेक्टर हैं मिस्टर कोइके। तुम लोग इनको क्या नहीं चाहिए, टीचर डोरेमोन परमन जैसी सीरीज में रावण गए, अल्ट्रा बी में मेन कैरेक्टर के पापा, एंड इवन नारुतो में भी देखा होगा। एंड गाइस कंफ्यूज मत करना, ये रावण गाय और हथौड़ी के टीचर दोनों कजन हैं और दोनों ही डिफरेंट इंसान हैं। ये करेक्टर इतनी सारी जगह पे देखा गया है कि खुद में ही ये एक मिस्टीरियस करेक्टर है। बट आखिर मैंने इस करेक्टर को इस डार्क थ्योरीज वाली वीडियो में क्यों रखा है, इसका रीजन अभी थोड़ी देर में तुम लोग समझ जाओगे। तो साल 1970 में डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको फुजियो ने काइकेत्सु कोइके नाम की एक मांगा रिलीज करी थी, जिसमें हमें इस करेक्टर की लाइफ की डिटेल्ड स्टोरी बताई जाती है। मिस्टर कोइके जो की एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर होता है, वो अपने आस पास की बुराइयों से, इनजस्टिस से बहुत परेशान रहता है, और हमेशा ही वो इन सब चीजों के बारे में गुस्सा होता रहता है कि क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। यही सब सोचते हुए वो एक रात को सोता है और सुबह उठने पे उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं। मीटिंग में वो इन पावर्स का यूज बुराइयों को मिटाने के लिए करता है। बट एक दिन ऐसे ही एक चोर को पकड़ते हुए वो गलती से एक चोर को मार देता है। कोइके इस चीज को लेकर स्टार्टिंग में तो बहुत दुखी होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया। बाद में वो सोचता है कि बुराई को खत्म करने के लिए अगर एक दो इंसान मर भी जाए तो भी कोई बात नहीं। एंड इसी सोच के साथ मिस्टर कोइके यानी कि रामन गाय एक सीरियल क्रिमिनल बन जाता है। मिस्टर कोइके अपने बॉस को मार देता है क्योंकि उसका बॉस उसकी बुराई करता है। एक बूढ़ी औरत को मार देता है क्योंकि वो औरत उसका मजाक उड़ाती है। और ऐसे ही करते करते ये सीरीज एक डार्क टर्न ले लेती है। अगर तुम लोगों ने डेथ नोट देखी होगी तो तुम लोग जरूर लाइट यागामी और कोइके के बीच में सिमिलैरिटीज पता कर पा रहे होगे। तो यार ये है इस करेक्टर की इनसाइड स्टोरी। अब यार मैं डोरेमोन की स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, जहाँ पर ये मेन विलन होगा और डोरेमोन और उसके दोस्त इससे लड़ने वाले हैं। तो इसके बाद बात करते हैं डोरेमोन के यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में, डार्क फैन थ्योरी ऑफ थ्री मैजिकल सोर्समैन। तो आई होप कि तुम सभी लोगों ने ये वाली मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी में बहुत सारी चीजें अजीब सी थी। इस मूवी के शुरुआत में एक अजीब सा बुढ़ा इंसान नोबिता के पीछे पड़ जाता है और नोबिता से अजीब अजीब सी बातें करता है और नोबिता को अजीब सा फ्रूट खिला के नोबिता को एक दिन के लिए समझदार बना देता है। इसके बाद डोरेमोन फ्यूचर से एक गैजेट ऑर्डर करता है जिसके मदद से नोबिता अपने सपनों में गेम्स खेल सकता है। बट ये बुढ़ा इंसान नोबिता के घर पे भी आ जाता है और नोबिता के घर में एक अजीब सा ही गेम रख देता है जिसको नोबिता और डोरेमोन खेलते हैं। एंड हैरानी की बात यह है कि गेम के अंदर भी हमें ये बुढ़ा इंसान दिखता है बट एक उल्लू के रूप में, और तब हमें क्लियर होता है कि इसका नाम तोरीहो है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता गेम की विलन को हरा के गेम को खत्म कर देते हैं। बट गेम एंड होने के बाद तोरीहो एक रोबोट के रूप में आता है एंड डोरेमोन के उस गैजेट को उठा के ले जाता है। और सबसे खतरनाक चीज तो इस मूवी के लास्ट में आती है, जब हमें दिखाया जाता है जब गेम खत्म होने के बाद नोबिता अगले दिन स्कूल जाता है, तो नोबिता का स्कूल अपने नॉर्मल जगह पे नहीं बल्कि एक पहाड़ के ऊपर होता है। थ्योरी वाली मूवी में बहुत सारी चीजें अजीब सी थी, जैसे कि तोरीहो रियल लाइफ में भी और गेम के अंदर भी कैसे प्रेजेंट था। तो अगर तुम लोग डोरेमोन के फैन हो तो इस थ्योरी को पूरा एंड तक जरूर देखना, मैं तुम लोगों को गारंटी कर सकता हूँ कि तुम लोग डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। अब अकॉर्डिंग टू मूवी ये थी एंडिंग, बट गाइस ये इस मूवी की एंडिंग नहीं, ये इस मूवी की शुरुआत थी डार्कनेस की नोबिता के दुनिया में आने की। फैन थ्योरी ये कहती है कि जो नोबिता और डोरेमोन गेम खेल रहे थे वो कोई गेम नहीं था बल्कि एक असली दुनिया थी, एक पैरेलल वर्ल्ड था जहाँ पर जाने के लिए सपनों के जरिए जाना पड़ता था। और उसी दुनिया में रहता है एक बहुत ज्यादा डार्क एंटिटी जिसको बोलते हैं ओडोरोमी। ओडोरोमी ही ड्रीम वर्ल्ड पे राज करता था, लेकिन उसका सपना था रियल दुनिया पे यानी कि अर्थ पे कब्जा करना। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ड्रीम वर्ल्ड से अर्थ पे आने के लिए और अर्थ से ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए सपने यानी कि ड्रीम के जरिए जाना पड़ता है, और ड्रीम्स के जरिए वो अर्थ पे आ भी जाता है लेकिन उसकी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रहती और अर्थ पे आने के बाद उसका रूप एक बुढ़े की तरह हो जाता है। तो तुम लोग सही समझे, इन रियलिटी तोरीहो कोई और नहीं बल्कि ओडोरोमी का एक रूप ही है। बट जैसे ही वो देखता है कि डोरेमोन के पास एक ऐसा गैजेट है जो कि ड्रीम के साथ छेड़खानी कर सकता है, ड्रीम को रियलिटी बना सकता है और रियलिटी को ड्रीम बना सकता है, तो फिर तोरीहो / ओडोरोमी नोबिता को वो अजीब सा गेम देखे नोबिता और उसके सारे दोस्तों के ड्रीम के जरिए ड्रीम वर्ल्ड और अर्थ के बीच में एक रास्ता बना देता है। एंड जब नोबिता गेम के अंदर जाता है और ओडोरोमी को मारता है तो असल में ओडोरोमी मरता नहीं है, क्योंकि ओडोरोमी की जो रियल लाइफ होती है ना वो होती है तोरीहो यानी कि इस आउल के अंदर। इन रियलिटी नोबिता विलन को हरा नहीं पाता एंड लास्ट में तोरीहो / रियल ओडोरोमी आता है एक रोबोट के रूप में और नोबिता की ड्रीम मशीन ले जाता है और उसी मशीन का और नोबिता के सपनों का यूज करके अपनी सारी ताकतों के साथ अर्थ पे आ जाता है। और अर्थ पे उसका बेस होता है नोबिता का स्कूल जहाँ नोबिता जाने वाला है और वहाँ पर इसको सारी सच्चाई का पता चलने वाला है। और इसके बाद की कहानी आएगी थ्री मैजिकल सॉर्समैन पार्ट 2 में। इस फैन थ्योरी ने इस मूवी लगभग सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। तो गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं थ्री मैजिकल सॉर्समैन की पार्ट 2 की फैन मेड स्टोरी बनाऊं तो उसके लिए कमेंट करना एंड 10K लाइक टारगेट
रीड को कंप्लीट कर देना। एंड गाइस, दूसरी फैन थ्योरी ये कहती है कि तोरियो असल में ओडोरोमी नहीं बल्कि फ्यूचर का एक रोबोट है, और इसीलिए इंसानों के ऊपर राज करने के लिए वो ड्रीम वर्ल्ड से ओडोरोमी को अर्थ पे लाता है नोबिता के सपनों का यूज करके। एंड गाइस, थर्ड फैन थ्योरी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। डोरेमोन फ्यूचर से जो ड्रीम मशीन वाला गैजेट लेके आया था वो पहले से ही फॉल्टी था, जिसके कारण गेम के अंदर के कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आ जाया करते थे। ऐसे ही तोरियो गेम के अंदर से रियल वर्ल्ड में आ गया था, एंड नोबिता जो थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन वाला गेम खेल रहा था उस गेम के एंड होने से पहले ही उस गेम का मेन विलन यानी कि ओडोरोमी उस गैजेट के जरिए रियल वर्ल्ड में आ जाता है, और इसीलिए मूवी के एंड में वो अर्थ पे आने के बाद नोबिता के स्कूल को अपना बेस बना लेता है और बहुत सारे चेंजेस कर देता है। तो यार तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को सबसे सही थ्योरी कौन सी लग रही है। इसके बाद बात करते हैं फिनिस एंड फर्फ की एक फैन थ्योरी की। तो यार अगर तुम लोग इस सीरीज के फैन रहे हो तो तुम लोगों को ये बात पता होगी कि फिनिस एंड फर्फ के मॉम एंड डैड दोनों ही असल में पहले सिंगल पेरेंट्स थे जिनका डिवोर्स हो चुका था। फर्फ अपने डैड के साथ रहता था, फिर फर्फ के डैड फिनिस एंड कैंडिस की मॉम मिलते हैं और दोनों की आपस में शादी हो जाती है और ये सारे लोग एक साथ रहने लग जाते हैं। तो यार फर्फ जो है वो फिनिस एंड कैंडिस का स्टेप ब्रदर है। अब यार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सामने आता है कि आखिर फिनिस एंड कैंडिस के रियल फादर कौन है। तो गाइस एक फैन थ्योरी कहती है कि फिनिस एंड कैंडिस के रियल डैड है डिफेंस मर्ज। अब इसको सपोर्ट करने के लिए फिनिस एंड फर्फ में एक एपिसोड दिखाया गया था जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फिनिस की मॉम ने एक बार पहले डिफेंस मर्ज को डेट भी करा था और वो लोग बहुत टाइम तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और दूसरा एविडेंस ये है कि इसीलिए फिनिस इतना ज्यादा समझदार है। एंड तीसरा एविडेंस ये है कि इसीलिए डिफेंस मर्ज और फिनिस का चेहरा ट्रायंगल है। तो यार तुम्हें ये थ्योरी कितनी सही लगती है कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप यार कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम लोग सब्सक्राइब करोगे। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।